अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला की रहमत के साथ आज की वीडियो को करते हैं जी शुरू। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी मैं गांव में ही हूँ, क्योंकि वो कल मैं नानी अम्मा को बताया कि कल हम चले जाएंगे, तो वो कहती हैं एक दिन और रुक जाओ फिर चले जाना, फिर पता नहीं कब चक्कर लगे। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है एक दिन और रुक जाते हैं। व्यूअर्स, आज के दिन भी मैं इधर ही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया उन्होंने रोक लिया, तो आज के दिन भी मैं इधर ही हूँ। मैं इस साइड पे इसलिए बार बार देख रहा हूँ, इधर अभी खेतों में ना काले रंग का बहुत बड़ा सा कुत्ता बैठा हुआ था, मुझे डर लग रहा था वो कहीं भाग रही इधर ना आ जाए, तो इस वजह से बार बार उस साइड पर देख रहा हूँ। जो है मैंने बालों का स्टाइल भी अपना चेंज किया, जैसे मैं काफ़ी इस साइड पर बनाता था, आज मैंने इस साइड पर बनाया। ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या इस साइड पे स्टाइल मेरा सही लग रहा है बालों का। बच्चे जो है मुझे काफ़ी दिन से कह रहे थे कि पार्क ले जाओ, तो अभी उनको पार्क लेके जा रहा हूँ, तो आइए चलते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। इधर पास ही एक सोसाइटी बनी है, उसमें पार्क है, गांव में सोसाइटी बनी है उसमें पार्क है, तो आइए उधर चलते हैं। गाड़ी को रहने देते हैं, बाइक पर चलते हैं। यह है मेरा कज़न अबू बकर, ये भी जा रहा है। क्या हाल है अमार, कैसे हो, ठीक हो? और ये है हमज़ा, ये भी जा रहा है। आप देख सकते हैं जैसा कि मेरे कज़न और हम बाइक पे निकल गए हैं, अभी यहाँ पास में पार्क है वहाँ चलेंगे, तो बहुत ही मज़ा आएगा, चलते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है सोसाइटी, इस सोसाइटी का नाम है जापान टाउन। तभी हम इधर एंटर हो चुके हैं। गांव में बहुत ही अच्छे लेवल की सोसाइटी बन रही है ये, इसकी रोड्स आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हैं। पार्क वो दूर और सही ज़्यादा बच्चों का रश नज़र आ रहा है पार्क में क्योंकि पूरे गाँव में एक ही पार्क है, तो सब बच्चों ने इसी पार्क में आना है, तो रश बहुत ज़्यादा है इस टाइम पार्क में, तो हमारे बच्चे भी खेलेंगे। तो व्यूअर्स, ये पार्क, अभी यहाँ साइड पे कहीं पे बाइक पार्क करते हैं और चलते हैं अंदर। पार्क वाकई बहुत अच्छा है। अभी हम आ गए हैं पार्क में, आप देख सकते हैं पार्क बहुत ही अच्छा है और सोसाइटी भी ये काफ़ी अच्छी बन रही है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि गांव में इस तरह की सोसाइटी बन सकती है, मेरे मुँह से सूझ रहा, इसलिए लग रहा है कि मैं बबल खा रहा हूँ साथ साथ। तो आप लोग खेलो, मैं देख रहा हूँ आप लोगों को। सफाई का भी काफ़ी अच्छा ख्याल रखा हुआ है इस पार्क में। अबू बकर और हमज़ा यहाँ पे खेल रहे हैं। अच्छा, अब इन्होंने ये वाला झूला लेना है। अरे हमज़ा, हाँ इसको नीचे करो चलो बैठो। ओ दोनों का वजन जो है एक जितना है ना ये जंपिंग बैग पे आ गए हैं बच्चे सारे। होती है बच्चों की कि यार उनको कोई इस तरह की जगह पे लेकर आए, इनके जो बाबा होते हैं वो इस्लाम आबाद होते हैं। और हाँ, और जब हम छोटे होते थे हमें भी शौक होता था कि यार हम भी पार्क वगैरह में जाएं, तो जाते थे पापा चाचू मेरे बहुत हमें लेके जाते थे पार्क वगैरह में, पिंडी में अभी भी मुझे याद है, तो वो हमें लेके जाते थे पार्क वगैरह में, बहुत ही मज़ा आता था। अब तो बड़े हो गए, अब बच्चों को लेकर आते हैं। अभी मैं इस्लाम आबाद जाऊँगा, हमज़ा रानिया को भी 502 पार्क लेके जाना। हमज़ा रानिया मेरे बहन भी जो छोटे हैं उनको भी 502 पार्क लेके जाना। उसने मुझे कहा भी था रानिया ने कि यार कि आप वापस आओ साथ भी करम 502 पार्क चलेंगे, उनको भी लेके जाऊंगा। अब स्लाइड की बारी आ गई है, अबू बकर जो है स्लाइड पे जा रहा है।
अब हमजा की बारी थी और हमजा भी आ गया स्लाइड से नीचे। और अबू बकर अब थक चुके, हमजा अबू बकर कह रहे हैं एक आखिरी झूला लेने दो फिर चलते हैं। चलो अबू बकर चलो, देर होगी तीन को झूले लेते हुए। तो दोनों आ गए हैं, हमजा ये रहा, अबू बकर भी नज़र आ गया, वो रहा जूते पहन रहे। तो आइए चलते हैं। सभी हम घर पहुंच चुके हैं, सभी जो हमार है वो WCC 2 WCC 3 डाउनलोड कर रहा है, अभी उसका मेरा मैच होने वाला है। और कितने परसेंट हुई है डाउनलोड? 34 जल्दी करो यार। सो व्यूअर्स, अबू बकर वापस आ गया, चाचा नीफी उसे डरा रहे थे अबू बकर को, और अबू बकर अभी वापस आ गया, इसे पकड़ते हैं और चाचा नीफी के पास पकड़ाते हैं। अबू बकर जमार ने जो है अबू बकर को पकड़ लिया है। चाचा नीफी पकड़ा गया, बंदा पकड़ा गया है। अभी इसको टीका लगवाने के लिए लेके जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मजाक कर रहे थे अबू बकर, टीका तो नहीं लगाया। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है अबू बकर, और ये हमजा। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम आए हैं डेरा रेस्टोरेंट, जो कि इधर विलेज में, मैंने आपको पहले भी बताया था। फाद और अमार आ रहे हैं, मैं भी पहुंच चुका हूं, मैं अपने बाइक पे हैं, फाद और अमार आ रहे हैं। तो मैंने इधर ऑर्डर किया है क्राउन क्रेस्ट पिज़्ज़ा, आपको मेन्यू चेक करवाता हूं। इसका मेन्यू, हमने क्राउन क्रेस्ट ऑर्डर किया, कबाब क्रेस्ट भी इसका ट्राई किया, वो भी बहुत मज़े का। इस दफ़ा हमने इधर का क्राउन क्रेस्ट ट्राई करने की कोशिश की, लार्ज मंगवाया, कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर कर दिया। अमार और फाद आ रहे हैं, वो अपने बाइक पे आ रहे हैं, बैठे हुए थे, हमारा अचानक ही प्रोग्राम बना पिज़्ज़े का, तो इस वजह से हम इधर आए हैं। क्योंकि और सेकंड थिंग, जो इस रेस्टोरेंट का इन्वायरमेंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे भी लास्ट डे यहाँ से जा रहे हैं, तो इस वजह से हम इधर आए हैं। पीछे बैठे हुए थे, वहाँ कंफर्टेबल नहीं थे, तो अभी हमने अपनी जगह चेंज की है। हमारे दोनों आ गए, पहुँच गए हो कैरियर से। व्यूअर्स, हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, वो आ गया, अभी जल्दी से खाते हैं। अभी हमने जो यहाँ पे पिज़्ज़ा है वो हमने खा लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पेट हमारा फुल हो गया। तो आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, तो उसको यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त साद अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।